हेलो एवरीवन। तो जावा नेट बीन सीखने की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जावा में लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, लेबल क्रिएट करने से पहले आपने जो हमारा जो फ्रेम है उसकी लेआउट को सेट करना है नल। तो बेसिकली पहले पिछली वाली वीडियोस में हमने यहाँ पे ग्रुप लेआउट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, तो आपने उसको करना है अभी डिलीट। और आपने सिंपली यहाँ पर लिख देना है f1.getContentPane.setLayoutNull। तो यहाँ पर आपने अभी एक आर्ग्यूमेंट पास करना है नल नाम का। तो इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आप जे लेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए। सपोज मैंने L1 कर दिया, न्यू जे लेबल। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप सिंपली ये हमारा जो L1 लेबल मैंने बनाया है इसका आपने टेक्स्ट को सेट करना है। तो आप लिखोगे बेसिकली L1.setText। तो आप चाहते हो कि जो भी कंटेंट इस लेबल में शो आपने यहाँ पे पास करना है। सपोज मैंने लिखा कवल जीत, तो ये पास करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, इसकी जो बाउंड्स है उसको सेट कर लीजिए L1.setBounds। तो मैं चाहता हूँ कि ये अभी 10, 20 और उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो रहे 100 और हाइट रहे 20। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है गाइज, इस लेबल को आपने फ्रेम में करना है ऐड। तो हमारा फ्रेम है अभी F1, आपने लिखना है F1.add और आप जिस भी कंपोनेंट को ऐड करना चाहते हो उसको आपने करना है यहाँ पे पास। मैंने L1 को पास करना है तो मैंने यहाँ पे L1 पास कर दिया। तो आपने करना है इसको एक बार सेव और इसको करके देख लीजिए एग्जीक्यूट। तो जैसे मैंने गाइस इसको एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लेबल क्रिएट हो चुका है। तो आप इसकी बाउंड्स को जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस इसके बाद एक हमारे पास फंक्शन होता है गेट टेक्स्ट। तो बेसिकली गेट टेक्स्ट का क्या काम रहता है, वो जो भी हमारे लेबल में टेक्स्ट सेट रहता है उसको वो गेट कर लेता है। सपोज मैंने एक ऐसे ही लेबल एक और क्रिएट करता हूँ जिसका मैंने नाम दिया L2 और अभी मैं L2 की जो बाउंड्स हैं गाइस वो सेट करने वाला हूँ। सपोज यहाँ से मैं बाउंड सेट करता हूँ 40 पे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो L1 का सेट जो टेक्स्ट मैंने सेट करना है L2 का, वो जो L1 में है वही सेम आ जाए। तो मैं लिखूँगा L2.setText। ये मैं फंक्शन यूज़ करूँगा क्योंकि मैं सेट टेक्स्ट करना चाहता हूँ। तो बीच में मैंने क्या करना है, L1 लिखना है क्योंकि मैं L1 का जो टेक्स्ट है उसको मैं गेट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पे लिखोगे L1 डॉट, एक फंक्शन है हमारे पास गेट टेक्स्ट। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि जो भी L1 में होगा वो ये गेट टेक्स्ट फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली आपने इसको एक बार करना है सेव और लास्ट में आपने इसको जो हमारा L2 लेबल है उसको करना है ऐड फ्रेम में। तो आपने लिखना है F1.add और बीच में आपने लिख देना है L2। इसको सेव करने के बाद आप एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लो। तो मैंने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया गाइस, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आ चुका है L2। दो लेबल्स मेरे पास आ चुके हैं लेकिन दोनों का कंटेंट सेम है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे गाइस देखिए L1 का तो मैंने जो कंटेंट है वो सेट किया था यहाँ पे कवलजी सिंह, लेकिन L2 में जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो मैंने L1 से ही गेट करके लिखा है। तो बेसिकली आप इसकी बाउंड्स को जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने सपोज लिख दिया 100 बाई, सपोज मैं 200 कर दूँ, तो आप देखोगे कि जो मेरा लेबल 2 रहेगा, यहाँ पे मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, उसकी बाउंड सेट हो चुकी है। ये देखिएगा ये लेबल 2 है, ये लेबल 1 है। तो गाइज ये था हमारा आज का कंटेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो आप एक बार उसको सब्सक्राइब करके उसके साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। तो जो हमारी अगली वाली वीडियोज़ आने वाले हैं गाइज, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा फॉन्ट्स है हम कैसे इसका फॉन्ट ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम इसका फॉन्ट फेस या फिर स्टाइल बदल सकते हैं, साइज़ कैसे हम इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम अगले वाली वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।